और इसी बीच फिर से अरविंद का दंदनाता चौका। इससे पहले दो छक्का लगाया, उसको मैं कवरेज नहीं कर पाया दोस्तों, मैं सेटअप कर रहा था इसी वजह से। तीन गेंदों में अभी तक 16 रन बना लिए हैं। पहले दो गेंद में रन नहीं बने थे, लेकिन लगातार तीन गेंदों में 16 रन बनाए। बहुत अच्छा बल्लेबाजी अरविंद पासवान के द्वारा। आलोक आए हैं, राजन बल्लेबाजी कर रहे हैं। नहीं राजन नहीं है, ये षष्टी भैया है। फिर से एक बार आलोक और ये गेंद, और इसी के साथ वाइड। बहुत ही अच्छा शॉट इसी बीच, लेकिन कवर में फील्डर मौजूद, एक ही रन मिल पाएगा। और इसी के साथ षष्टी ने अपना खाता खोला। आलोक का सामना करेंगे अरविंद पासवान, जिन्होंने अभी अभी छक्का चौका लगा के अपना स्कोर को 16 रन में पहुंचा दिया है। लेकिन बहुत अच्छा गेंद आलोक के द्वारा। अरविंद कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, कुछ नहीं समझ पाए इस गेंद को। इसी प्रकार का लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करना होगा अगर अरविंद जैसे बल्लेबाज को खामोश रखना है तो। फिर से एक बार आलोक, और सामने वही अरविंद, और इसी बीच फिर से एक बार दंदनाता डावरलाल दत्तमंजन ने छक्का। इस बार मिड विकेट के ऊपर से उछाल कर खेल दिए अरविंद पासवान ने, और ये डावरलाल दत्तमंजन छक्का। और इसी बीच और एक चौका, लेकिन मैं इसे कवर नहीं कर पाया दोस्तों, माफ कीजिएगा, थोड़ा इधर उधर काम में व्यस्त हो जा रहा हूँ बीच बीच में। फिर से एक बार फंस गया, चल फंस गया। बहुत ही अच्छा गेंद इसी बीच आलोक का, और इसी के साथ आलोक ने पहला विकेट अपने ले लिया है, और अपने टीम के लिए भी। और इसी के साथ अरविंद पासवान का पारी का अंत होता हुआ। अरविंद पासवान बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं हमारे इस क्षेत्र में। हालांकि शुरू से ही आक्रामक रूप अपनाए हुए थे, पर अभी अभी उनका विकेट का पतन हुआ। ये मैच घोष ऑटोमोबाइल और आर के ब्रदर्स के बीच खेला जा रहा है, दोनों के लिए करो और मरो वाला मुकाबला है। इसके बाद जो मैच होने वाला है CPL का, आज का दूसरा मैच लोकेश 11 वर्सेस स्कॉर्पियन के बीच है, वो भी करो मारो का स्थिति में है। जो मैच जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा उसका सफर यहीं से खत्म हो जाएगा। विकास गेंदबाजी करने आया सामने षष्टी, और इसी बीच एक जबरदस्त शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद। और इसी के साथ षष्टी ने अपना क्रीज बदल लिया है, और अब उसके जगह आए हैं मुकेश। अरविंद पासवान का जगह मुकेश लेंगे। मुकेश भी बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि आज के मैच में करो या मरो का मुकाबला है, इसमें हर बल्लेबाज को आज आक्रामक रूप अपना दिखाना होगा। इस मैच को जीतने के लिए कम से कम 150 का टारगेट तो होना ही चाहिए। फिर से एक बार विकास, सामने है मुकेश, और इसी बीच बहुत ही अच्छा मिनी हेलीकॉप्टर निकाला है, लेकिन तरुण वही तरुण जो झारखंड टीम के गोलकीपर भी हैं, बहुत अच्छा फील्डिंग करते हुए जहां चौका होना चाहिए था वहां पे सिर्फ एक रन दिया, अपने टीम के लिए तीन रन बचाते हुए तरुण महतो। बहुत ही अच्छा फील्डिंग, लाजवाब, अपने जान को झोंकते हुए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये उनका करो और मरो वाला मैच है। फिर से एक बार षष्टी सामने, अब विकास की गेंद और उठा दिए, और फील्डर नीचे मौजूद मास्टर जी। और इसी के साथ बहुत अच्छा कैच मास्टर जी के द्वारा, और विकास ने भी अपना विकेट का खाता खोलते हुए इस मैच में पहला विकेट अपने नाम करते हुए विकास, बहुत अच्छा कैच मास्टर जी के द्वारा। विकास भाई के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट भी दीजिए दोस्तों कि आप लोग कैसा वीडियो देखना चाहते हैं, और कमेंट्री में क्या क्या तब्दीली करना पड़ेगा कि आप लोग और ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे हमारे वीडियो को देखने के लिए। और अभी षष्टी का जगह लेने आए हैं रतन, ये भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है। जिस प्रकार से अभी विकेट गिर रहा है, इससे तो यही लग रहा है कि 100 रन भी बना पाना मुश्किल है। हालांकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कल वाला मैच में आप लोग देखे ही होंगे कि JSB का एक समय ऐसा आ गया था कि 80 रन नहीं बन रहा था, लेकिन उसी बीच आया आकाश और 145 रन तक अपने टीम का स्कोर लेके गया। क्या रतन भी उसी प्रकार का आज कारनामा कर पाएंगे हमारे इस CPL ग्राउंड में? चलिए, CPL सीजन 2 का मैच जारी है, और आगे के सभी मैच का आंखों देखा हाल मैं दिखाऊंगा आप लोगों को दोस्तों। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी बीच विकास, सामने रतन, हार्ड हिटर बल्लेबाज, और पहले ही गेंद को पुल करने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब, अन्यथा ये बॉल बाउंड्री के बाहर जा सकता था। जिस प्रकार का पोलार्ड के जैसा शरीर है उनका, बॉल लगने के बाद मुझे तो लग रहा है कि बाउंड्री के बाहर ही जाकर बॉल रुकेगी। फिर से एक बार विकास, 6 फुट 2 इंच के नौजवान, और ये गेंद
बहुत ही अच्छा गेंद, लेकिन इस बार थोड़ा दिशा से चूक गए हैं, जिस वजह से वाइड के रूप में अपने विपक्षी टीम को एक रन देते हुए। फिर से एक बार विकास, सामने है रतन, अभी अभी आए हैं क्रीज में और आते ही लंबा छक्का मारने की कोशिश, लेकिन इस बार बिना कामयाब। फिर से एक बार विकास और ये गेंद, और इसी बीच जो दो गेंद से शुरू किए थे तीसरे गेंद में अंत कर दिया। वो शुरू से जब से आए हैं मैदान में वो कोशिश में लगे हुए हैं चौवा छक्का लगाने के, लेकिन अभी ये तीसरे बॉल में वो सफल रहे हैं। बहुत ही लाजवाब जानदार शानदार शॉट। मैंने पहले ही बता दिया था दर्शकों को कि जैसा शरीर है पोलार्ड के जैसा, इनके बॉल, इनके पाले में अगर बॉल मिला और इनके बल्ले में अगर कनेक्ट हुआ तो सीधा बाउंड्री के बाहर ही जाएगा। और आज भी हमारा भविष्यवाणी सही होते हुए, कल मैंने जो भविष्यवाणी किया था दोस्तों कि राहुल रॉय मैच को जिताएंगे, कल मैच जिताए थे, और आज मैंने भविष्यवाणी किया कि पोलार्ड जैसे इनके बल्ले में बॉल लगेगा बाउंड्री के बाहर ही जाएगा गेंद, और वही हुआ दोस्तों। और इसी बीच फिर से एक बार आलोक, सामने है मुकेश, बहुत अच्छा शॉट, देखभाल कर इस शॉट को खेला, लेकिन फील्डर भी उतने ही चुस्त और दुरुस्त, कोई रन नहीं। और इसी बीच नो बॉल, आलोक से गफलाती हो गया है जिसका खामियाजा उसका टीम को भुगतना पड़ेगा। नो बॉल यानी फ्री हिट, फ्री हिट मतलब आप उस बॉल में चौवा छक्का अपने मन मर्जी से जिधर इच्छा मार सकते हैं। अब कमेंट कीजिए इस वीडियो में कि इस बॉल में छक्का होगा या चौवा होगा, मैच देखने से पहले ही आप बता सकते हैं कि इसमें चौवा या छक्का होगा। और अंपायर का डिसीजन ही अंतिम डिसीजन होता है, लेकिन अंपायर से थोड़ा बहस करते हुए अभी घोष ऑटोमोबाइल के सारे खिलाड़ी कप्तान के सहित कुछ पूछ रहे हैं। आप लोग परिचय दीजिए खेल भावना का, अंपायर जो निर्णय देता है अंपायर सर्वमान्य होता है, अंपायर किसी एक का नहीं होता है, अंपायर दोनों टीमों के लिए अंपायर होता है, उनका डिसीजन हमेशा सही रहता है। दोस्तों कभी कभार गलत हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अभी उनका डिसीजन सही लग रहा है। फिर से एक बार आलोक और ये फ्री हिट और उठा दिए हैं, लेकिन इस बार फील्डर नीचे मौजूद वही तरुण झारखंड का गोलकीपर, हालांकि कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये फ्री हिट था, नहीं तो क्या जबरदस्त जानदार शानदार कैच लिया था तरुण ने। वो गोलकीपर है और कैच तो नहीं छोड़ेंगे, इतना तो भरोसा है हमारे दर्शकों को। फिर से एक बार आलोक, सामने हुई हार्ड हिटर बल्लेबाज रतन, जिन्होंने अभी अभी इससे पहले वाला गेंद में बाउंड्री के बाहर भेजा था बॉल को, फिर से वही कोशिश रहेगा इनका बाउंड्री के बाहर भेजने की हर गेंद को। फिर से एक बार और ये देखिए कोशिश में अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन इस बार भी कामयाब नहीं। पहले ओवर में भी दो गेंद में कामयाब नहीं हुए थे, तीसरे गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा था। लग रहा है कि पुनरावृत्ति करने की कोशिश जारी है, इस बार भी वही करेंगे, वही उसी प्रकार का कोशिश जारी है दोस्तों। आप देख सकते हैं फिर से एक बार आलोक अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद, और इसी बीच बहुत ही लाजवाब गेंद आलोक के द्वारा, यह विकेट मिल सकता था और मिल अभी भी सकता है, लेकिन फील्डर थोड़ा चुस्त दुरुस्त नहीं होने की वजह से रन आउट मिस हो गया। देखते रहिए दोस्तों हमारे वीडियो को, अभी आगे और भी अच्छा अच्छा कमेंट्री आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ और भी एक कमेंटेटर आए हुए हैं विवेक राजधानी। फिर से एक बार आलोक, सामने है इस बार मुकेश, ओह बहुत ही अच्छा गेंद, हालांकि गिरने के बाद बाउंस हुई जिस वजह से पुल नहीं खेल पाए, हल्का हल्का सा बल्ला को अड़ा दिया और चार रन फाइन लेग की दिशा में। बहुत ही अच्छा शॉट मुकेश के द्वारा, दंदनाता डावरलाल दत्तमंजन चौका। डावरलाल दत्तमंजन जो है दोस्तों बहुत अच्छा डावरलाल दत्तमंजन, आप उसका यूज कीजिएगा तो आपके दांत में कभी कीड़े नहीं लगेंगे, आपके दांत हमेशा मोती की तरह चमकते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों मैं सजेस्ट करता हूं आप लोगों को डावरलाल दत्तमंजन यूज कीजिए। फिर से एक बार आलोक, और इस बीच बहुत ही अच्छा जबरदस्त गेंद आलोक के द्वारा, कुछ ज्यादा नहीं समझ पाया मुकेश, हर गेंद को लेग साइड में मुड़ने की कोशिश की जा रही है मुकेश के द्वारा। इस बॉल को अगर आप पॉइंट के ऊपर से कवर के ऊपर से खेल सकते थे तो चार रन प्राप्त कर सकते थे। और इसी बीच फिर से एक बार इस बार दंदनाता गगनचुंबी छक्का, क्या लाजवाब शॉट मुकेश के द्वारा। जब से आए हैं वही प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से चौवा और छक्का प्राप्त करके अपने टीम का स्कोर को बढ़ाया जा सके। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार जानदार शॉट मुकेश के द्वारा। और इसी के साथ आलोक का ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन दो विकेट के नुकसान पर, बहुत ही अच्छा रन गति अभी तक आरके ब्रदर्स कर रहा है, सॉरी आरएस ब्रदर्स का। रमाकांत आए गेंदबाजी और सामने है रतन, और उन्हें थोड़ा रन अप में कोई दिक्कत हुई जिस वजह से बॉल को डिलीवर नहीं किए। कोई बात नहीं दोस्तों, अगला बॉल आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, रतन वही हार्ड हिटर बल्लेबाज जिन्होंने इससे पहले वाला ओवर में दंदनाता डावरलाल दत्तमंजन छक्का लगाया था, वही बल्लेबाज अभी क्रीज में मौजूद है। आप देख सकते हैं रमाकांत का सामना करेंगे पहली बार इस टूर्नामेंट में, इस मैच में।
इस पूरे सीपीएल में पहली बार सामना करेंगे रमाकांत का, और ये गेंद, और बहुत अच्छा गेंद, कुछ नहीं ज्यादा समझ पाए, उन्हें पता है कि किस तरह से गेंदबाजी करनी है। रमाकांत भी मजे हुए खिलाड़ी है, और आज से नहीं बहुत पहले से खेल रहे हैं, बहुत पुराना खिलाड़ी है, इस वजह से उन्हें पता है कि रतन की कमजोरी क्या है, लेकिन जो कमजोरी को मजबूती में बदल दे वही तो बल्लेबाज होता है। और फिर से एक बार रतन हार्ड हिटर बल्लेबाज, और ये गेंद रमाकांत की, फिर से उसी दिशा में गेंद, लेकिन इस बार थोड़ा सा लाइन से भटके, जिस वजह से वाइड के रूप में अपने विपक्षी को एक रन दे बैठे। रमाकांत बहुत ही अच्छा गेंदबाज है, इस टीम के बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं। फिर से एक बार, और ये गेंद बहुत ही लाजवाब गेंद, इसी प्रकार का अगर गेंदबाजी कीजिएगा तो आप अपनी टीम के लिए कुछ रन बचा जरूर पाएंगे। फिर से एक बार रमाकांत, अभी गोलकीपिंग जो करते हैं झारखंड टीम के लिए वही अभी कीपर बने हुए हैं, यानी तरुण महतो जी हमारे कीपर है अभी। फुटबॉल में गोलकीपिंग और क्रिकेट में कीपिंग, क्या लाजवाब कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छा प्लेयर भी है, बहुत अच्छा गेंदबाज है, बहुत अच्छा बल्लेबाज है, और फुटबॉल में तो उनका कोई सानी ही नहीं, लाजवाब गोलकीपर है। फिर से एक बार, इस बार मुकेश सामना करेंगे इस टूर्नामेंट में, इस सीपीएल सीजन 2 में रमाकांत का, और ये गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए, और उठा दिए हैं, दन दनाता डाबरलाल दनमंजन छक्का, क्या लाजवाब छक्का, मोतियों के जैसा चमकता हुआ छक्का। फिर से एक बार रमाकांत सामने, हार्ड हिटर बल्लेबाज मुकेश, और ये गेंद फिर से उसी दिशा में उछाल के खेले, और इस बार स्कोर लेके अंपायर के ऊपर से दन दनाता गगनचुंबी डाबरलाल दनमंजन छक्का, क्या लाजवाब बल्लेबाजी मुकेश के द्वारा। हमारे दर्शक पूरा खुश है, उन्हें पता है कि इसी प्रकार का बल्लेबाजी देखने के लिए इतना धूप में कड़ी मेहनत करके हमारे दर्शक आए हुए, उन्हीं को लुभाते हुए मुकेश बहुत ही अच्छा लाजवाब जानदार शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मुकेश अपने लिए और अपने टीम के लिए कुल स्कोर में 6 रन का इजाफा करते हुए। फिर से एक बार रमाकांत सामने है, वही हार्ड हिटर बल्लेबाज मुकेश, क्या बल्लेबाजी है, आज का तो दर्शकों का दिन बन गया है। फिर से एक बार, और इसी बीच, लेकिन इस बार चूक गए, अन्यथा वही रिजल्ट देखने को मिल सकता था। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। क्या रन गति है, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन, यानी आप समझ ही सकते हैं कि 15 ओवर में क्या स्कोर बनेगा आज, और इसी प्रकार का स्कोर बनाना भी होगा इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी अभी तक मुकेश के द्वारा, जितनी भी तारीफ की जाए इस नौजवान बल्लेबाज का कम है, जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं ये देश के भविष्य हैं, बहुत अच्छा बल्लेबाजी अभी तक। ऑफ साइड में भी खेल रहे हैं, लेग साइड में अगर आप कहें तो 360 डिग्री बल्लेबाज है, चारों दिशा में खेलने वाले बल्लेबाज है। और अभी गेंदबाजी का दायित्व संभाल रहे हैं बाबू, आउट स्विंगर बॉलर है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर के रूप में अपने टीम के लिए जाने जाते हैं, टीम से खेलते भी है, बहुत अच्छा बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी भी अच्छा करते हैं और फील्डिंग भी अच्छा करते हैं। आज उसको ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की ही ज़रूरत है अपने टीम को मैच जिताने के लिए, उसी प्रकार का आपको खेल का प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। विराजन शर्मा जैसे बल्लेबाज डगआउट में बैठे हुए हैं, फिर से पहली बार इस मैच में, और इसी बीच उठा दिए, और ये दनदनाता डाबरलाल दनमंजन छक्का नहीं होगा, बहुत ही लाजवाब कैच, जहां डाबरलाल दनमंजन छक्का होना चाहिए था वहां पे जबरदस्त कैच दीपक सरदार का, जबरदस्त कैच, जहां पे 6 रन मिल रहे थे वहीं पे जाकर चुपके से कैच को लपक लिया और अपने टीम के लिए एक बहुमूल्य 6 रन बचाए और एक बहुमूल्य विकेट का पतन कराए। बहुत ही लाजवाब फील्डिंग दीपक सरदार के द्वारा। अब आए हैं वही हार्ड हिटर बल्लेबाज राजन शर्मा, जो कुछ दिन पहले यहां पे सलगाड़ी में जो मैच हुआ था उसमें भरत जैसे दिग्गज बॉलर को 28 रन मारे थे, वही बल्लेबाज अभी इस मैदान में प्रवेश किए और क्रीच में स्ट्राइक छोर पर है, और उनके सामने हैं बाबू, जो कि बहुत अच्छा गेंद, पहली गेंद में विकेट दिलाए, अपने टीम के लिए सफलता प्राप्त किया। मैंने तो पहले ही कहा कि एक बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, और उसी अनुरूप भी परफॉर्मेंस देते हुए बाबू, लेकिन अभी जो सामने हैं राजन शर्मा, अभी वर्तमान समय के सबसे अच्छे सबसे हार्ड हिटर बल्लेबाज, कुशलडी में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, क्या आज सीपीएल में भी उसी प्रकार का परफॉर्मेंस हमारे दर्शकों को देखने मिलेगा, तो भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मिल सकता है। और पहली बार सामना करेंगे बाबू का राजन, और इसी बीच पहला कवर ड्राइव और ये 4 रन, क्या दनदनाता डाबरलाल दनमंजन चौका। मैंने तो पहले ही कहा कि राजन बहुत अच्छे बल्लेबाज है, बहुत ही जबरदस्त शॉट, जितनी भी तारीफ की जाए बल्ले से लगते ही ड्यूज बॉल की तरह टेनिस बॉल भी भागा, इतना तेज और सपाट
पीछे की क्या बोले, जबरदस्त बल्लेबाजी का पीछे। अब बल्लेबाज अगर शानदार जानदार है तो आप अच्छे से बल्लेबाजी कर सकते हैं। उसी का परफॉर्मेंस दिखाते हुए राजन पहले ही गेंद में चौवा लगाएं अपने टीम के लिए और अपने लिए। 400 का स्ट्राइक रेट से अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद में बाबू को सफलता, दूसरी गेंद में चौका, अब तीसरी गेंद में क्या हो सकता है दर्शकों, आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि तीसरी गेंद में क्या होगा। एक दर्शक ने बताया कि डॉट होगा। चलिए देखते हैं आगे का नजारा। और इसी बीच दंदनाता डावर लाल दत्त मंजन छक्का। मैंने तो पहले ही कहा राजन शर्मा जबरदस्त बल्लेबाज है, इस टीम के जान है, आन है, बान है और शान है। जब तक राजन शर्मा है तो कुछ भी हो सकता है। दर्शक जिन्होंने डॉट बोला था उनका भविष्यवाणी तो सफल नहीं हुआ और ये छक्का मार के अपने टीम का अपना स्कोर में और 6 रन का इजाफा करते हुए राजन शर्मा बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। फिर से एक बार बाबू सामने वही हार्ड हिटर बल्लेबाज जिन्होंने 2 गेंदों में 10 रन प्राप्त किए और ये तीसरी गेंद और बहुत ही अच्छा गेंद, इस बार बहुत ही अच्छा गेंद, हल्के हाथों से खेलकर सिंगल चुरा लिया राजन शर्मा के द्वारा। सूझबूझ भरा खेल, पहले चौवा फिर छक्का फिर सिंगल, इसी प्रकार का क्रिकेट खेलना पड़ता है। अगर आपको रन बनाना है, निरंतर अगर रन बनाना है तो आपको हर गेंद में हिट नहीं करना होता, सिंगल डबल भी बीच में खेलना पड़ता है। उसी का प्रदर्शन करते हुए राजन शर्मा। फिर से एक बार बाबू शायद इस ओवर का अंतिम गेंद और मुकेश सामना करेंगे और बहुत ही अच्छा गेंद, लेकिन उससे भी लाजवाब शॉट, मिनी हेलीकॉप्टर निकाल के अपना विकेट तो बचाए हैं, साथ ही साथ अपने टीम के लिए और अपने लिए 1 रन भी प्राप्त किए। फिर से एक बार सामना करेंगे इस ओवर में, अंतिम बार राजन शर्मा बाबू का, और ये गेंद और उठा दिए हैं दंदनाता डाबर लाल दत्त मंजन छक्का। बहुत मजा आ रहा दोस्तों आज हमें कमेंट्री करने में। क्रिकेट मैच अगर चौवा छक्का ही ना लगे तो कमेंट्री करने का क्या मजा रहता। इसी प्रकार का कमेंट्री अगर आप लोगों को देखना है तो चौवा छक्का लगाना होगा। दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे चैनल में जितने भी CPL के वीडियो आ रहे सबका लुफ्त उठाइए। और अभी आए दुलाल गेंदबाजी करने, सामने है मुकेश जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया अभी तक। और इसी बीच दंदनाता उठा दिया है लेकिन नीचे मास्टर मौजूद और क्या लाजवाब कैच। लेकिन इस कैच की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। जब उन्हें लग रहा था कि अब ये बॉडी मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा तो उन्होंने बॉल को फेंक दिया, लेकिन किस्मत खराब है, वहां पे गोल पोस्ट बना हुआ है और बॉल सीधा गोल पोस्ट में जाकर बाउंड्री के बाहर गिरा और अंपायर का निर्णय है 4 रन अपने टीम के लिए, 2 रन बचाते हुए। क्या जानदार फील्डिंग मास्टर जी के द्वारा, जहां 6 था वहां पे कैच लगभग पकड़ लिए थे, अच्छा बॉडी बैलेंस नहीं हुआ तो उस बॉल को फेंक दिया, लेकिन किस्मत खराब है विकेट मिलने के जगह उन्हें 4 रन अपने विपक्षी टीम को देना पड़ा, क्योंकि बॉल बाउंड्री के अंदर फेंक रहे थे लेकिन बॉल जाके गोल पोस्ट से लगा और बाउंड्री के बाहर चला गया। लेकिन इसी बीच जबरदस्त फील्डिंग का नजारा मास्टर जी के द्वारा। फिर से एक बार दुलाल और ये गेंद, बहुत ही अच्छा गेंद, मुकेश हल्के हाथ से खेलकर राजन शर्मा को स्ट्राइक छोर पर लेकर आए। उन्हें पता है कि जैसा हार्ड हिटर बल्लेबाज राजन शर्मा है अभी उनको ही स्ट्राइक छोर पर रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुकेश भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। लेकिन अभी राजन शर्मा का परफॉर्मेंस देखना चाहता है दर्शक, इसीलिए दर्शक डिमांड कर रहे हैं कि हर गेंद में चौवा छक्का लगाइए। फिर से एक बार दुलाल गेंदबाजी करेंगे, सामने वही हार्ड हिटर बल्लेबाज जिन्होंने अभी इससे पहले चौवा छक्का लगा के अपने टीम का स्कोर को आगे बढ़ाया। फिर से एक बार पहली बार दुलाल और इसी बीच क्या गेंद, जबरदस्त यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी दुलाल के द्वारा, कुछ ज्यादा नहीं कर पाए राजन शर्मा, अन्यथा यह चौवा छक्का होता, थोड़ा सा आगे गिरता तो। सूझबूझ भरी गेंदबाजी दुलाल के द्वारा, बहुत ही अच्छा जबरदस्त गेंदबाज है दुलाल। और मुकेश पहली बार, तीसरी बार इस ओवर में तीसरी बार सामना करेंगे दुलाल का। और ये गेंद और उठा दिए हैं और ये स्ट्रेट ड्राइव 6 रनों के लिए दंदनाता डावर लाल दत्त मंजन छक्का। फिर से एक बार दुलाल, सामने वही हार्ड हिटर बल्लेबाज मुकेश और ये गेंद फिर से उठा दिया और स्ट्रेट ड्राइव और ये 4 रन दंदनाता डावर लाल दत्त मंजन चौका। दोस्तों अपने बच्चों का दांत अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, मोतियों जैसा चमकाना चाहते हैं तो डावरलाल दत्तमंजन का यूज कीजिए, क्योंकि डावरलाल दत्तमंजन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बचपन से मैं दांत घसते आया हूं, कभी दांत भी दिखा दूंगा दर्शकों को। दोस्तों फिर से एक बार दुलाल, वही गेंदबाज और वही बल्लेबाज और ये गेंद और उठा दिया इस बार भी, लेकिन इस बार मौजूद है विकास, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। 6 फुट 2 इंच का
प्लेयर होने के बावजूद भी इस बॉल को नहीं रोक पाए, यहाँ पे रोकना चाहिए था। हालांकि मुकेश ने इस गेंद को दंदनाता डावरलाल दंदमंजन छक्का में बदल दिया है। बहुत ही अच्छा लाजवाब बल्लेबाजी, इसी प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाना होगा अगर आरएस ब्रदर्स को प्लेऑफ में जाना है तो। उनकी उम्मीदें अभी भी बची हुई है बाबू का इस मैच में। दूसरी ओवर में दूसरी बार सामना करेंगे राजन शर्मा, और इस बार क्रीज साइड चेंज करते हैं। वाह, साइड चेंज कीजिए या कुछ भी कीजिए, मैं तो वही रिजल्ट दूंगा, दंदनाता डावरलाल दंदमंजन छक्का। राजन शर्मा अभी यही बोल रहे हैं कि मैं हार गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजूंगा, क्योंकि रन रेट भी तो मजबूत करना होगा इस सीपीएल सीजन 2 के प्लेऑफ में जाने के लिए। रन रेट की भी आवश्यकता है, पॉइंट के साथ साथ आपको रन रेट भी मजबूत बनाना पड़ेगा। क्या लाजवाब बल्लेबाजी अभी राजन शर्मा के द्वारा। जिस प्रकार के राजन शर्मा जाने जाते हैं उसी प्रकार का शॉट खेलते हुए, और ये गेंद, और फिर से एक बार, लेकिन इस बार बहुत अच्छा फील्डिंग दीपक के द्वारा, फुटबॉल की तरह गेंद को रोकते हुए अपने पैर से। जहां 4 रन मिल सकते थे राजन शर्मा को, वहां पे अपना पैर का उपयोग करते हुए फुटबॉल का परफॉर्मेंस दिखाते हुए दीपक ने अपने टीम के लिए 3 रन का बचत किया। मुकेश कुमार 46 रन बना चुके हैं, और ये गेंद, और लाजवाब गेंदबाजी बाबू के द्वारा, लेकिन उतना ही खराब फील्डिंग रमाकांत के द्वारा, जहां एक भी रन नहीं मिलने चाहिए थे वहां 4 रन। और इसी के साथ मुकेश का अर्धशतक पूरा होता हुआ। बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी मुकेश के द्वारा, और इसी के साथ दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुकेश, उन्होंने इस मैच में पहला अर्धशतक बना लिया। और इसी बीच बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करने की कोशिश मुकेश के द्वारा, हालांकि उन्हें पता है उनको क्या रोल दिया गया है टीम के लिए, और अभी अपने रोल में वो एकदम फिट बैठे हुए हैं। 14 छक्का लगा रहे हैं हर गेंद में, जब से आए हैं 14 छक्का में ही डील कर रहे हैं, सिंगल डबल में उतना विश्वास नहीं। फिर से एक बार बाबू का सामना करेंगे मुकेश, और ये गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए, और बहुत ही लाजवाब सोलर वन गेंद, ज्यादा नहीं समझ पाए मुकेश, अन्यथा फलस्वरूप 4 रन या 6 रन तो निश्चित तौर पे हो सकता था। फिर से एक बार बाबू सामने मुकेश, और ये गेंद, और दंदनाता उठा दिया कबर में, और ये रो मास्टर 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 पूरे मैच में, पूरे ग्राउंड में आज मास्टर जी ही छाए हुए हैं। इससे पहले एक छक्का बचाया जहां कैच ले ही लिए थे, उनका बॉडी बैलेंस नहीं हो पाया था, जिस वजह से उन्होंने बॉल को बाउंड्री के अंदर फेंका था, और उसके बाद ये जबरदस्त कैच और जबरदस्त बल्लेबाज मुकेश का पारी का अंत करते हुए मास्टर। आज तो मास्टर जी छाए हुए हैं इस मैच में, बहुत ही लाजवाब फील्डर है मास्टर जी, और एक जबरदस्त बल्लेबाज भी है मास्टर जी। और दर्शकों के लिए और क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी है, CPLL यानी चांडिल प्रीमियर लीजेंड लीग का आयोजन किया जा रहा है चांडिल की ओर से, और जबरदस्त अपील इसी बीच, लेकिन एम्पायर के ऊपर कोई असर नहीं। CPL यानी चांडिल प्रीमियर लीजेंड लीग का आयोजन किया जा रहा है, जो 19 मार्च से स्टार्ट होगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं उस लीग में, तो आप भाग ले सकते हैं। नीचे लिंक दे दूंगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, और अपना फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा, जिससे आप कॉन्टैक्ट करके CPLL में भाग ले सकते हैं। और इसी बीच जबरदस्त गेंद, 2 गेंद विकास ने बहुत ज़बरदस्त डाला है। फिर से एक बार राजन शर्मा, और ये गेंद, ओह लाजवाब स्टेट ड्राइव, और ये 6 रन, दंदनाता डावरलाल दंदमंजन छक्का। क्या लाजवाब बॉडी बैलेंस है, बॉडी में ताकत है, सिर्फ पल्ला गोड़ा दिया, और ये 6 रन स्टेट ड्राइव, सीधा एकदम तीर की तरह चला गया एम्पायर के ऊपर से जाते हुए 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर, दंदनाता डावरलाल दंदमंजन छक्का। फिर से एक बार विकास, सामने वही हार्ड हिटर बल्लेबाज राजन, फिर से एक बार उठाने की कोशिश, लेकिन इस बार नाकामयाब, अन्यथा रिजल्ट वही देखने को मिलता दर्शकों को। बहुत ही अच्छा सूझबूझ भरा गेंदबाजी विकास के द्वारा, बहुत अच्छा जबरदस्त गेंदबाजी और जबरदस्त बल्लेबाजी। और इसी बीच और थोड़ा सा लाइन और लेंथ से भटके, फलस्वरूप वाइड के रूप में अपने विपक्षी टीम को 1 रन देते हुए, और एक बार विकास सामने राजन, और ये गेंद, और इस बार भी उठाने की कोशिश, लेकिन इस बार भी नाकामयाब, अन्यथा फिर से दर्शकों को एक छक्का देखने का मौका मिल सकता था। हालांकि CPL में इसी प्रकार का बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज जाने जाते हैं। इससे पहले दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, 51 गेंदों में 155 रन बनाए हैं लीलू, हालांकि उस मैच को मैं कवर नहीं कर पाया था, अन्यथा दर्शकों को बहुत मजा आता। फिर से एक बार अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद, और इस बार कट कर दिए,
गली और पॉइंट के बीच से चार रन दन दना था डावरलाल दत्तमंजन चौका। फिर से एक बार विकास, सामने राजन, और ये गेंद और ये जबरदस्त स्कोर लेग के बगल से खेलकर अपने टीम के लिए और अपने लिए एक रन प्राप्त करते हुए बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी राजन शर्मा के द्वारा। 9 ओवर समाप्ति के बाद 129 रन बन चुके हैं हारिस ब्रदर्स के। बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी करते हुए राजन शर्मा और मुकेश जिन्होंने 50 अपने टीम के लिए और अपने लिए बनाए, और अभी उसी रास्ते में उसी पथ पर चलते हुए राजन शर्मा बहुत ही जबरदस्त छक्का चौवा लगा रहे हैं। और दुलाल फिर से एक बार गेंदबाजी का दायित्व संभाले हैं, सामने है राजन शर्मा, देखते हैं क्या कुछ होता है इस ओवर में। और ये गेंद, और बहुत ही अच्छा गेंद, लेकिन थोड़ा सा लाइन से बाहर, जिस वजह से वाइड। बहुत ही अच्छा गेंद, फिर से एक बार, और ये गेंद बहुत ही लाजवाब गेंद, लेकिन थोड़ा सा वाइड लाइन से जस्ट 1 इंच बाहर, जिस वजह से वाइड। फिर से एक बार राजन शर्मा, सामने है वही गेंदबाज, और इस बार स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन तरुण मौजूद, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग तरुण के द्वारा। और आए हैं देव बल्लेबाजी करने, देव भी बहुत ही लंबे चौड़े हैं, 6 फुट के आसपास, 6 फुट निश्चित तौर पे 6 फुट के नौजवान है देव। और ये गेंद, और बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी इसी बीच दुलाल के द्वारा। इसी प्रकार का सूझबूझ भरा गेंदबाजी करना होगा अगर स्कोर को 150-160 के आसपास में रोकना है तो। 130 रन बन चुके हैं अभी तक, 132 रन बन चुके हैं, और ये 10वां ओवर प्रगति पर है। फिर से एक बार अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद, और देव इस बार फ्लिक कर दिए हैं, और जब तक फील्डर फील्ड कर पाते तब तक दोनों ही खिलाड़ियों के पास इतना समय था कि वो अपने अपने छोर बदल सकते थे, और बदल भी लिए हैं। फिर से एक बार दुलाल, और ये गेंद राजन शर्मा के लिए, और उठा दिया और फंस गए, फंसने का पूरा चांस है, लेकिन बाबू सफल नहीं हुए। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी दुलाल के द्वारा, उन्होंने जिस प्रकार से सूझबूझ से गेंदबाजी किया था उसका रिजल्ट भी उन्हें देखने मिल चुका था, लेकिन फील्डर की गफलाती की वजह से। फिर से एक बार दुलाल, और सामने है राजन, जिनको अभी अभी जीवनदान मिला है लगभग, और इसी बीच एक जबरदस्त शॉट, और क्या लाजवाब फील्डिंग तरुण के द्वारा। बॉल गिरने के बाद उनके सर के ऊपर से उछल के पार हो रहा था, लेकिन उन्होंने 4 फुट ऊंचा हाई जंप लगाकर बॉल को पकड़ा और अपने टीम के लिए 3 रन बचाए, बहुमूल्य 3 रन। और देव सामना करेंगे फिर से एक बार दुलाल का, बहुत ही अच्छा गेंद दुलाल का अभी तक, और ये गेंद, और फंस गया है, सामने तरुण है, और इसी के साथ देव का पारी का अंत होता हुआ। और बाबू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और सामने वही हार्ड हिटर बल्लेबाज जिन्होंने इनसे पहले वाला ओवर में इनको 2 छक्का लगाए थे, राजन शर्मा पहली बार सामना करेंगे इस ओवर में। और ये गेंद, और इसी बीच जबरदस्त दंदनादा डावरलाल दत्तमंजन छक्का। आज जो भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ वही हो रहा है, 2-3 छक्के इस ओवर में भी लग सकते हैं। इस ओवर में 6 गेंद में 6 होने का संभावना है, जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी ओवर भी नहीं कम, ओवर भी बहुत कम है। और इसी बीच और एक जबरदस्त दंदनादा, सॉरी इस बार छक्का नहीं हुआ, बाउंड्री के मुझे दिखाई नहीं दिया गेंद, मुझे लगा कि बाउंड्री के बाहर चला गया, हालांकि बॉल नीचे ही था। अभी भी 4 गेंद में 4 छक्के लग सकते हैं। और ये गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए धीरे धीरे, और इसी बीच बहुत ही जबरदस्त सोलर वन गेंद। बाबू समझ चुके हैं कि मुझे अब सोलर वन ही ज्यादा डालना पड़ेगा, जिस वजह से ये बॉल साफ बीट हो गए राजन शर्मा। फिर से एक बार राजन शर्मा सामने, और इसी बीच दंदनाता पुल शॉट, और ये मिड विकेट के ऊपर से दंदनाता डावरलाल दत्तमंजन छक्का, साथ में अंबुजा सीमेंट दंदनादा छक्का। अगर आपको घर बनाना है दोस्तों तो अंबुजा सीमेंट का प्रयोग कीजिए, बहुत ही जबरदस्त सीमेंट है, एक बार घर बनाइए टूटने का कोई झमेला नहीं रहेगा। अगर घर बनाना ही है तो अंबुजा सीमेंट से घर बनाइए दोस्तों। फिर से एक बार बाबू, और इसी बीच उठा दिए हैं, लेकिन फील्डर मौजूद, और दीपक से एक अफलाती नहीं होगा, और बहुत जबरदस्त कैच दीपक के द्वारा। और इस प्रकार से राजन शर्मा का पारी का अंत होता हुआ, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी बाबू के द्वारा, 2 छक्के खाए, लेकिन राजन शर्मा जैसे हार्ड हिटर बल्लेबाज का विकेट भी प्राप्त किए। इस प्रकार से अगर कहा जाए तो लॉस नहीं हुआ है, ये कैच जो दीपक ने लिया अभी
ये नोकिया CPL परफेक्ट कैच ऑफ द मैच में मैच के दावेदार बन सकते हैं। इससे पहले एक जबरदस्त कैच मास्टर जी ने भी लिया था, वो भी नोकिया CPL परफेक्ट कैच ऑफ द मैच के दावेदार बन चुके हैं। तो देखते हैं दोस्तों इस CPL सीजन का परफेक्ट कैच ऑफ द मैच कौन बनता है। लेकिन आज जबरदस्त कैच पकड़े हैं फिर से एक बार बाबू सामने है, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, और ये इस फाइन लेग और स्कोर लेग के बीच से खेल दिए हैं। जब तक फील्डर फील्ड कर पाते तब तक आसानी के साथ इतना समय मौजूद था दोनों के पास कि दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदल लिया, यानी अपने टीम के लिए 2 रन प्राप्त करते हुए। और इसी बीच दुलाल और ये जबरदस्त शॉट खेलने की कोशिश लेकिन सफल नहीं हुए, हालांकि 1 रन लेने से भी नहीं रोक पाएंगे घोष ऑटोमोबाइल। रघु आए हैं बल्लेबाजी करने, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। इससे पहले वाला जो पहला मैच था मां मोबाइल के साथ, रघु ने अकेले मार के मैच को जिताया था, मैं पहचान नहीं पाया था दोस्तों, माफ कीजिएगा। रघु बहुत ही अच्छा हार्ड हिटर बल्लेबाज है। और ये गेंद और बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन मिड विकेट में दीपक मौजूद जो कि अंबुजा सीमेंट की दीवार की तरह खड़े हैं, बॉल को पार होने नहीं दे रहे। जो हवाई हमला हो रहा है उसी को पार हो पा रहा है, नहीं तो जमीनी शॉट एक भी पार होने नहीं दिए। तरुण और दीपक दोनों ही अंबुजा सीमेंट की दीवार की तरह एकदम खड़े हैं मैदान के बीचों बीच। फिर से एक बार और ये गेंद उठा दिए दीपक और ये दिलीप गोप और बहुत जबरदस्त दंदना था डबल दंदमंजन छक्का। फिर से एक बार दुलाल, सामने है दिलीप, बहुत ही जबरदस्त छक्का लगाया अभी। और एक बार उठा दिया और ये दंदना था डबल दंदमंजन छक्का। क्या लाजवाब बल्लेबाजी दिलीप के द्वारा, इसी प्रकार का चौवा छक्का का जरूरत है अभी उसके टीम को, और उसी के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए दिलीप लाजवाब। इससे पहले वाला ओवर में लाजवाब गेंदबाजी किए थे दुलाल, लेकिन इस ओवर में महंगे साबित होते हुए 2 गेंदों में 2 छक्के खा चुके हैं। और रघु आए हैं बल्लेबाजी करने, नॉन स्ट्राइक छोर में रघु खड़े हैं, 4 नंबर जर्सी में सुसज्जित रघु, जो कि हमारे साथी भी हैं, हमारे साथ कमेंट्री भी करते हैं, हमारे साथ रिकॉर्डिंग भी करते हैं। और एक बार अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद, और इसी बीच जबरदस्त हैट्रिक छक्का, क्या लाजवाब छक्का दिलीप के द्वारा। जितना भी तारीफ किया जाए इस बल्लेबाज का कम है, और छक्का चौवा लगाए भी क्यों नहीं, जर्सी नंबर तो देखिए दोस्तों 7 नंबर यानी धोनी का जर्सी नंबर, और अभी मुझे लग रहा धोनी का भूत समा गया है दिलीप के अंदर। 7 नंबर जर्सी में जो भी आते हैं लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, और अभी उसी अनुरूप काम करते हुए दिलीप 3 गेंदों में 3 छक्के लगाकर धोनी को इस मैदान में लाते हुए। धोनी जब तक क्रिकेट रहेगा धोनी नाम तेरा अमर रहेगा, वही धोनी जिन्होंने इंडिया टीम को क्रिकेट खेलना सिखा दिया, इंडिया टीम को एकजुट होना सिखा दिया, इंडिया टीम को फाइट करना सिखा दिया। फिर से एक बार, और ये बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन इस बार जमीनी शॉट जिस वजह से अंबुजा सीमेंट के दीवार को नहीं भेद पाए। आपको पता ही है अंबुजा सीमेंट के दीवार कौन है, एक तरुण महतो और दूसरा दीपक सिंह सरदार, दोनों ही अंबुजा सीमेंट की दीवार की तरह बाउंड्री में चिपके हुए हैं, इनके दीवार को तोड़ना नामुमकिन है। फिर से एक बार दिलीप रामाकांत का सामना करेंगे इस मैच में, इस टूर्नामेंट में, CPL सीजन 2 में पहली बार सामना करेंगे दिलीप, जिन्होंने अभी इससे पहले वाला ओवर में 3 छक्के लगाए हैट्रिक वो भी। और ये गेंद और उठा दिए हैं, लेकिन इस बार वही अंबुजा सीमेंट नीचे यानी तरुण महतो नीचे, और तरुण का जबरदस्त कैच। मैंने तो पहले ही कहा कि इस टीम में तो अंबुजा सीमेंट के दीवार है, एक दीपक सिंह सरदार और दूसरा तरुण महतो। तरुण महतो दोस्तों वही है जो झारखंड टीम के लिए गोल कीपिंग करते हैं, बहुत ही अच्छे गोलकीपर के रूप में हमारे इस क्षेत्र में, इस झारखंड में जाने जाते हैं तरुण। और आज क्या परफॉर्मेंस देते हुए, हमको लग रहा है ये कैच भी CPL परफेक्ट कैच ऑफ द मैच हो सकता है, और उसका दावेदार भी बन सकते हैं तरुण महतो। क्या लाजवाब 2 कैच पकड़े हैं, दोनों ही लाजवाब कैच। अब आए हैं मोटू, इनका नाम भी मोटू है और शरीर भी इनका मोटू ही है। अब देखते हैं मोटू क्या कुछ कर पाते हैं अपने टीम के लिए, जैसा शरीर वैसा नाम और वैसा काम भी मुझे लग रहा करेंगे। और रमाकांत गेंदबाजी करेंगे इस CPL सीजन 2 में पहली बार मोटू को, और मोटू ये गेंद और बहुत ही अच्छा जैसा नाम वैसा काम करते हो, पहले ही गेंद को बाउंड्री के बाहर एक्स्ट्रा कवर ड्राइव 4 रन दंदनाथ डावरलाल दंदमंजन चौका। दोस्तों अपने बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने से अगर बचाना है तो डाबरलाल दंतमंजन का यूज कीजिए, अपने बच्चों को बचपन से डाबरलाल दंतमंजन का प्रयोग करवाइए, उनके दांत मजबूत होंगे और मोती के जैसा हमेशा चमकते रहेंगे। चलिए दोस्तों फिर से एक बार रमाकांत, सामने वही मोटू, जैसा नाम वैसा काम करते हुए मोटू इस मैच में, इस CPL सीजन में 2री बार सामना करेंगे मोटू रमाकांत का। और कीपर
विकास सट गए हैं चिपक के कीपिंग करते हुए। इसी बीच अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद रमाकांत की और ये उठा दिए स्कोर लेग और मिड विकेट के बीच से। लेकिन जैसे मैंने कहा दोस्तों कि अंबुजा सीमेंट की जो दीवार है मैदान के बीचों बीच बाउंड्री में लगा हुआ है, तो दीवार एक तरुण एक दीपक, और इस बार दीपक ने उस दीवार का काम करते हुए उस बॉल को रोका बाउंड्री लाइन से बाहर जाने से। बहुत ही अच्छा फील्डिंग दीपक के द्वारा। और रघु सामना करेंगे पहली बार रमाकांत का इस ओवर में इस मैच में। और ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ लेकिन कुछ नहीं कर पाए कीपर और ये बाई फोर के रूप में चार रन। फील्डिंग में गली क्रिकेट की तरह फील्डिंग, यहाँ पे चार रन नहीं मिल सकते, तो मिलना चाहिए था वहाँ पे, चार रन दिया अपने विपक्षी टीम को बाई के तौर पर। फिर से एक बार रघु बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है, 16 साल के उम्र के नौजवान, और उठा दिए हैं दंदनाता डावर लाल दत्मंजन छक्का। मैंने तो पहले ही बोला ये 16 साल का जो नौजवान है कुछ भी कर सकता है, जैसे सचिन जब शुरू शुरू में आए थे तो सबका नाक में दम करके रखे थे, उसी प्रकार रघु पहले वाला बैच में भी नाक में दम करके रखा था बोलरों का, और अभी भी उसी अनुरूप उसी रूप से खेलते हुए रघु छक्का लगा लिए हैं इस मैच में। पहली बार छक्का लगाए इस मैच का पहला छक्का रघु के द्वारा, और चार नंबर जर्सी में सुसज्जित रघु 16 साल के नौजवान, सबसे कम उम्र के इस सीपीएल के नौजवान खिलाड़ी हैं रघु। फिर से एक बार इस बार तरुण मातो कुछ समझाते हुए बॉलर को और अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद रघु सामने और फिर से उठा दिए हैं, और ये दंदनाता डावर लाल दत्मंजन छक्का। क्या लाजवाब बल्लेबाजी रघु के द्वारा, मुझे तो पता ही नहीं था रघु वही रघु है जो मेरे साथ बैठकर वीडियोग्राफी करते हैं, जो मेरे साथ बैठकर कमेंट्री करते हैं, जो मेरे साथ बैठकर पानी पीते हैं चाय पीते हैं खाना खाते हैं। आज मुझे पता चल रहा कि रघु मेरे साथ रहकर इतना अच्छा बल्लेबाजी सीख गए हैं। बहुत ही अच्छा लाजवाब है, संगत का असर है दोस्तों। फिर से एक बार लेकिन इस बार अंबुजा सीमेंट की दीवार मैदान में आ गए हैं बीचों बीच, यानी तरुण महतो बॉल को रोकते हुए 13 ओवर की समाप्ति के बाद 194 रन। फिर से एक बार आलोक सामने रघु और ये गेंद, लेकिन इस बार फिर से एक बार बीच में आ गए हैं अंबुजा सीमेंट की दीवार तरुण। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग तरुण महतो के द्वारा। फिर से एक बार आलोक सामने है मोटू, और मोटू बहुत ही जबरदस्त बल्ला को भांजे थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। फिर से एक बार आलोक और ये गेंद, और इस बार मोटू ने अपने नाम के अनुरूप काम किया लेकिन फील्डर मौजूद, और इसी के साथ मोटू का पारी का अंत होता हुआ। और आलोक घोष सामना करेंगे और ये शॉट, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी आलोक के द्वारा। आलोक गेंदबाजी कर रहे हैं और आलोक ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, आलोक गोप गेंदबाजी और आलोक घोष बल्लेबाजी, और इसी बीच एक कैच ड्रॉप, बहुत ही अच्छा। एक बार आलोक और इस बार कवर ड्राइव, लेकिन मास्टर मौजूद, तीसरा अंबुजा सीमेंट दीवार जो कि मास्टर जी हैं मौजूद है, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, यानी 14 ओवर की समाप्ति के बाद 196 रन। और फिर से एक बार रमाकांत और शॉट ऑफ लेंथ, और ये मौका और लाजवाब कैच, बहुत ही जबरदस्त कैच आलोक के द्वारा, और अंपायर अभी तक निर्णय नहीं दिए हैं। और इसी के साथ कैच ड्रॉप, अगर ये कैच हो जाता तो सीपीएल परफेक्ट कैच ऑफ द मैच हो सकता था, नोकिया सीपीएल परफेक्ट कैच ऑफ द मैच हो सकता था ये, लेकिन आलोक के द्वारा कैच ड्रॉप। और एक बार, और ये बहुत ही अच्छा ब्लाइंड शॉट रघु के द्वारा, दंदनाता स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर, दंदनाता डावर लाल दत्मंजन चौका। फिर से एक बार रमाकांत सामने रघु, जिन्होंने अभी ब्लाइंड शॉट लगाया और इस बार पुल मार दिए, दंदनाता डावर लाल दत्मंजन छक्का। इनका बल्लेबाजी देखकर नहीं लग रहा दोस्तों कि ये 16 साल का नौजवान है, जिस प्रकार के मजे हुए खिलाड़ी छक्का मारते हैं, राजन शर्मा मार रहे थे, अरविंद पासवान मार रहे थे, उसी प्रकार का बल्लेबाजी रघु के द्वारा। बहुत ही जबरदस्त शानदार जानदार शॉट रघु के द्वारा। फिर से एक बार रमाकांत सामने, वही हार्ड हिटर बल्लेबाजी, इस बार घुस गए ऑफसाइड में, और ये गेंद, और इस बार भी उठाने की कोशिश, लेकिन इस बार विकेट के ऊपर से दंदनाता डावर लाल दत्मंजन चौका। क्या बल्लेबाजी कर रहे रघु ऑफसाइड में घुसकर, और इस बार बाई बाई के रूप में 4 रन प्राप्त करते हुए। फिर से एक बार और ये गेंद, बहुत ही अच्छा गेंद, इस बार पैर में जाके गेंद टकराया, हालांकि लेग बाई के रूप में 1 रन चुरा लिए हैं,
और एक रन के चक्कर में दो रन चुरा लिए हैं। वाह क्या रनिंग और क्या गफलाती वाला फील्डिंग विकी के द्वारा। रमाकांत और सामने रघु इस बार भी ऑफसाइड में घुस गए और ये दंदनाता उठा दिए हैं। दंदनाता डावरलाल दत्तमंजन छक्का दो अंबुजा सीमेंट दीवार के बीच से, मतलब ऊपर से। नीचे रहता तो निश्चित तौर पे ये कैच पकड़ सकता था, लेकिन बहुत ऊपर। और ये क्या मैच, क्या जबरदस्त मैच खेल कर जा रहे हैं रघु। और इसी के साथ 217 रन कुल स्कोर 15 ओवर की समाप्ति के बाद बना लिए हैं आरएस ब्रदर्स ने। और इस मैच को घोष ऑटोमोबाइल को जीतने के लिए 218 रनों की आवश्यकता है 15 ओवरों में। चलिए दोस्तों आगे का मैच लेकर आऊंगा कुछ देर के बाद, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। और इसी बीच देव पहली ओवर और ये बहुत ही लाजवाब स्विच हिट और ये 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। दंदनाता डबरलाल दत्तमंजन चौका, विक्की के बल्ले से पहला चौका अपने लिए और अपने होश ऑटोमोबाइल के लिए खाता खोलते हुए। फिर से एक बार देव कुमार, फिर से एक बार उसी दिशा में और इस बार दंदनाता डबरलाल दत्तमंजन छक्का। क्या लाजवाब बल्लेबाजी विक्की के द्वारा। उन्हें पता है कि 218 रन का टारगेट अगर चेस करना है तो पहली गेंद से बाउंड्री के बाहर भेजना पड़ेगा हर गेंद को। बहुत ही अच्छा लाजवाब बल्लेबाजी घोष ऑटोमोबाइल के द्वारा। घोष ऑटोमोबाइल के बल्लेबाज विक्की बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है और अभी अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए भी। फिर से एक बार देव कुमार, इस बार साइड चेंज। इस मैच को जीतने के लिए एबी डिविलियर्स की आवश्यकता है, पुजारा की नहीं। और अभी तक एबी डिविलियर्स जैसा बल्लेबाजी करते हुए विक्की। और ये गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए और बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे। और ये दंदनाता डावरलाल दत्तमंजन चौका। दोस्तों अगर अपने बच्चों का दांत आप सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो डावरलाल दत्तमंजन का प्रयोग कीजिए, आपके बच्चे के दांत चमकते रहेंगे मोतियों जैसा और कभी कीड़ा भी नहीं लगेगा। फिर से एक बार वही हार्ड हिटर बल्लेबाज सामने और ये गेंद बहुत ही अच्छा, लेकिन इस बार स्लोर वन गेंद समझ नहीं पाया विक्की, अन्यथा ये भी 4 या 6 जरूर होते। हालांकि इस मैच को जीतने के लिए हर ओवर में आपको 14-15 का एवरेज चाहिए और अभी तक 5 गेंदों में 14 रन बना चुके हैं, यानी इसी एवरेज से आपको हर ओवर में रन बनाना होगा इस मैच को जीतने के लिए। फिर से एक बार और इस बार रिवर्स स्वीप, फिर से खेलने की कोशिश विक्की के द्वारा, लेकिन इस बार सफल नहीं हुए। गेंदबाज बहुत चतुर, स्लोर वन गेंद डाला जिस वजह से सफल नहीं हुए विक्की। हालांकि अभी भी कोई क्षति नहीं घोष ऑटोमोबाइल को। एक ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन कुल स्कोर। अभी गेंदबाजी करने आए राजन शर्मा, जिन्होंने इससे पहले बहुत अच्छा जबरदस्त बल्लेबाजी किए थे, अब गेंदबाजी में अपना हुनर आजमाने आए हैं और अपने टीम के लिए 1-2 बहुमूल्य विकेट निकालने की कोशिश रहेगी राजन शर्मा के द्वारा। लेकिन सामने है इस टीम के घोष ऑटोमोबाइल के कप्तान बाबू, जिन्होंने गेंदबाजी तो अच्छा ही किया और अभी बल्लेबाजी में भी अच्छा ही दमखम दिखाते हैं तो इस मैच को जीत जाएंगे। और बाबू चंद्रपोल, शिव नारायण चंद्रपोल की तरह बल्ले को आड़ा तरीके से पकड़ते हुए, हालांकि चंद्रपोल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे लेकिन बाबू यहाँ राइट हैंड बल्लेबाज है। लेकिन स्टाइल आप अगर स्टांस देखिएगा बाबू का तो उसी प्रकार का। और ये अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद और पहली गेंद दंदनाता डावरलाल दत्तमंजन छक्का। जिस प्रकार का कप्तान के बारे में मैंने वर्णन किया उसी प्रकार का बल्लेबाजी करते हुए बाबू, अपने टीम को अगर मैच जिताना है तो इसी प्रकार का बल्लेबाजी करना होगा। दोनों ही बल्लेबाजों को दोनों ही छोरों से 14 छक्का आना चाहिए, तब जाकर इस मैच को आप जीत सकते हैं। 218 रन का टारगेट 15 ओवर में कोई कम नहीं होता, हालांकि इस मैदान में कोई बड़ा भी नहीं है। फिर से एक बार राजन शर्मा अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद, फिर से एक बार, लेकिन इस बार बाबू कट, कीपर के हाथों में अपना विकेट गवा करा रहे हैं, अपना विकेट फेंक करा रहे हैं। और अब बाबू का जगह लेने जा रहे हैं जाने माने झारखंड का गोलकीपर तरुण कुमार महतो, जो कि फुटबॉल में तो बहुत ही महारत हासिल कर चुके हैं और क्रिकेट में भी लगे हुए हैं महारत हासिल करने में। हालांकि बहुत अच्छा बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं हमारे क्षेत्र में, अच्छा बल्लेबाज भी है। कल PSL में 263 रन चेस होते होते बच गया, तो आज 15 ओवर में 218 रन क्यों नहीं चेस होगा। हो सकता है, आप लोग दिल थाम के बल्लेबाजी कीजिए अपने ऊपर भरोसा करके। और ये अंपायर को क्रॉस करते हुए राजन शर्मा का गेंद और पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उछाल के खेल दिया दंदनाता डावरलाल दत्तमंजन चौका। तरुण महतो पहली गेंद में बाउंड्री के लिए अपने टीम को 1-4 रन का बोनस दिलाते हुए। उन्हें पता है उनका क्या दायित्व है इस मैच को जीतने के लिए, उन्हें किस प्रकार का बल्लेबाजी करना होगा। बहुत ही अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज है तरुण महतो, हालांकि उनका फील्डिंग आपको तो बता ही दिया था कि अगर आज इस मैच में
घोष ऑटोमोबाइल की ओर से अगर अंबुजा सीमेंट का कोई दीवार है तो तरुण महतो और हमारे मास्टर जी और दीपक सिंह सरदार। फिर से एक बार राजन शर्मा की ये गेंद और उठा दिए हैं दन 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 डबरलाल दन मदन छक्का। तरुण महतो के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा पहला छक्का, सॉरी इससे पहले चौवा था और ये दूसरा छक्का निकलता हुआ। इस मैच को जीतने के लिए इसी प्रकार का बल्लेबाजी क्या हो सकता है घोष ऑटोमोबाइल को। फिर से एक बार तरुण और इस बार सूझबूझ भरी शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, लेकिन सफल नहीं हुए, अन्यथा इसमें भी स्कोर लेग के बगल से चार रन होने की संभावनाएं थी। बहुत अच्छा बल्लेबाजी तरुण के द्वारा, उनका कप्तान को उनके ऊपर भरोसा है इस मैच को जीतने के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की ही आवश्यकता है। फिर से एक बार तरुण बहुत ही अच्छा डिफेंसिव शॉट, हालांकि फील्डर मौजूद कोई रन नहीं, एवरेज जो चाहिए था वो एवरेज बन चुका है। और घोष ऑटोमोबाइल का कुल स्कोर दो ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 2-1 विकेट के नुकसान पर। इस मैच में विकेट का कोई महत्व एक बार सामने इस बार मास्टर जी, बहुत ही अच्छा गेंद, कुछ ज्यादा नहीं समझ पाए। फिर से एक बार बहुत अच्छा गेंद राजन के द्वारा, सीधे बॉल जाकर पैर से लगा, कोई रन नहीं। बहुत अच्छी गेंद राजन शर्मा के द्वारा, बहुत ही अच्छा शॉट। इस बार मास्टर ने अपना खाता खोला और अपने घोष ऑटोमोबाइल का भी एक रन में इजाफा करते हुए। मास्टर जी फिर से एक बार राजन शर्मा, अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद और शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंदबाजी राजन शर्मा द्वारा, बहुत अच्छा डिफेंसिव शॉट अंबुजा सीमेंट के जो
दीवार है हमारे दीपक सिंह सरदार जी, वही मैदान में प्रवेश कर चुके हैं अंबुजा सीमेंट की तरह, अभी अंबुजा सीमेंट की दीवार की तरह खड़े हुए हैं मैदान के बीचों बीच। रघुआ है गेंदबाजी करने, जिन्होंने बहुत अच्छा बल्लेबाजी किया था, अभी गेंदबाजी में अपना हाथ आजमाते हुए, और इसी बीच मास्टर का जबरदस्त शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, और इसी के साथ मास्टर का पारी का अंत होता हुआ। बहुत खराब गेंद था रघु का, लेकिन मास्टर सही दिशा दे नहीं पाए, जिस वजह से अपना विकेट फेंक करा रहे। फिर से एक बार रघु और उठाने की कोशिश और अपना विकेट फेंक कर आ रहे हैं। 218 रन का टारगेट चेस करने के लिए मैदान में रुकना पड़ता है, एक दो ओवर में नहीं बन पाएगा वो रन। रघु दो गेंदों में दो विकेट ले चुके हैं और हैट्रिक पर है रघु। फिर से एक बार रघु अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद, और बहुत अच्छा गेंद, लेकिन इस बार बल्लेबाज चतुर, जिन्होंने हैट्रिक बनने नहीं दिया रघु का। फिर से एक बार, और इसी के साथ नो बॉल। फिर से एक बार रघु, और ये गेंद, और ये इसी के साथ फ्री हिट, अन्यथा विकेट, और एक विकेट जा सकता था अगर फ्री हिट नहीं होता तो। क्या गेंदबाजी रघु के द्वारा, चार गेंद में एक नो बॉल और तीन कैच ले चुके हैं, मतलब तीन विकेट नहीं मिला, एक तो फ्री हिट था जिस वजह से एक विकेट नहीं मिला, अन्यथा तीन विकेट हो जाता रघु का। फिर से एक बार, और इसी बीच शॉट तो जबरदस्त लगाने की कोशिश, लेकिन सफल नहीं। फिर से एक बार, और ये गेंद, और इसी बीच क्या जबरदस्त शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, और यह दंदनाता डाबर लाल मंजन छक्का। और पहली बार इस ओवर में, दूसरी बार देव, और बहुत अच्छा शॉट, इसी में चार रन, दंदनाता डाबर लाल मंजन चौका। पंकिम बहुत अच्छा बल्लेबाजी करते हुए पहले ही गेंद में, इस ओवर के पहले ही गेंद में देव के चौवा लगा दिया, और इस मैच को जीतने के लिए इसी प्रकार का बल्लेबाजी की आवश्यकता है। इस एक बार बंकिम देव का सामना करेंगे, और ये गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन कोई रन नहीं। गेंदबाज बहुत सूझे हुए गेंदबाज है, बहुत सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं देव। बहुत अच्छी गेंदबाजी देव के द्वारा। फिर से एक बार, इस बार भी सोलर वन, और ये कैच होने की संभावना, लेकिन फील्डर की गफलाती की वजह से जहां कैच होना चाहिए वहां चार रन, और इसी प्रकार का बल्लेबाजी करना होगा बंकिम को। रिक्स तो लेना पड़ेगा इस 218 रन के मैच को जीतने के लिए, रिक्स लेना पड़ेगा। फिर से एक बार देव, और सामने वही बंकिम, और उठा दिया दंदनाता डाबर लाल दत्तमंजन छक्का। इसी प्रकार का बल्लेबाजी क्या हो सकता है बंकिम और दीपक से इस मैच को जीतने के लिए, इसी प्रकार का चौवा छक्का लगाने की आवश्यकता है। चौवा छक्का अगर हर ओवर आते रहेंगे तो मैच जीत सकते हैं। फिर से एक बार बंकिम, सामने है देव, बहुत अच्छा बल्लेबाजी करते हुए बंकिम, इससे ये गेंद, और इस बार फिर से एक बार उठा दिए, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद मोटू। जब तक फील्डर फील्ड कर पाते तब तक आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों के पास इतना समय था कि अपने अपने छोर बदल सकते थे, और उन लोगों ने वही वही किया और अपना छोर बदल लिया। फिर से एक बार देव, और सामने है दीपक, बहुत अच्छा डिफेंसिव शॉट, कुछ ज्यादा नहीं किया, सिर्फ बॉल को बल्ले से अड़ा दिया, सूझबूझ भरी परफॉर्मेंस का प्रदर्शन करते हुए। फिर से एक बार रघु आए हैं गेंदबाजी करने, सामने है बंकिम, जिन्होंने अभी अभी चौवा छक्का लगाया है, बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं बंकिम, और इस मैच को जीतने के लिए बंकिम को इसी प्रकार का बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। फिर से एक बार, बहुत अच्छी गेंद इस बार रघु के द्वारा। फिर से एक बार रघु, और ये गेंद, और इसी के साथ बंकिम का विकेट का पतन होता हुआ, और रघु ने बल्ले में भी अपना जोहर दिखाया, गेंदबाजी में भी तीन विकेट ले चुके हैं रघु, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच बनने के हकदार बन चुके हैं रघु। फिर से एक बार रघु, सामने है विकास, फिर से एक बार रघु, और ये गेंद विकास के लिए, और बहुत अच्छा गेंद, बहुत ही अच्छा गेंद रघु के द्वारा। फिर से एक बार रघु, और ये गेंद, और इस बार नो बॉल, और बहुत ही शॉट, अच्छा जबरदस्त शॉट विकास के द्वारा, और ये चार रन, पॉइंट की दिशा में कट करके चार रन प्राप्त करते हुए विकास, और इसी के साथ नो बॉल यानी पांच रन प्राप्त करते हुए अपने टीम के लिए, और इस गेंद में फ्री हिट, मतलब एक और चौवा छक्का लगाने का मौका।
फिर से एक बार रघु, सामने वही हार्ड हिटर बल्लेबाज विकास, और ये गेंद, और फिर से कट कर दिए, लेकिन इस बार फील्डर बहुत ही चुस्त दुरुस्त अपने टीम के लिए कुछ बहुमूल्य रन बचाते हुए। फिर से एक बार, और बहुत अच्छा गेंदबाजी रघु के द्वारा। इसी के साथ ओवर, सात ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार देव कुमार आए हैं गेंदबाजी करने, और सामने है दीपक, और बहुत ही अच्छा गेंदबाजी देव के द्वारा, रन आउट होने की संभावना, लेकिन फील्डर की गफलाती की वजह से जहां विकेट मिलना चाहिए था, वहां ओवर थ्रो के रूप में एक रन दे रहे थे, लेकिन बल्लेबाज लेने में इंटरेस्टेड नहीं। फिर से एक बार देव, सामने विकास, और इसी बीच कट कर दिए, और ये 4 रन दंदना था डावर लाल दंदमंजन चौका। फिर से एक बार देव कुमार, और इस बार वाइड। फिर से एक बार, और ये फिर से एक बार, और ये गेंद, और उठा दिए हैं, लेकिन फील्डर मौजूद अरविंद पासवान, और इसी के साथ आसानी के साथ विकास का पारी का अंत करता हुआ देव कुमार। सामने है दुलाल, ओ बहुत ही अच्छा डिफेंसिव शॉट, और आसानी के साथ सिंगल चुराते हुए। फिर से एक बार देव कुमार, और ये गेंद, ओ बहुत अच्छी गेंद। रघु फिर से एक बार गेंदबाजी का दायित्व संभाले हैं आरएस ब्रदर की ब्रदर्स की ओर से, और एक बार दुलाल है इस बार सामने, और बहुत अच्छा गेंदबाजी रघु के द्वारा। फिर से एक बार रघु, सामने दुलाल, और उठा दिए हैं, इस बार फील्डर मौजूद नहीं, और इसी के साथ आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक रन चुरा लिया। फिर से एक बार, और इस बार दीपक, और बहुत ही अच्छा शॉट, ये जबरदस्त शॉट, लेकिन कोई फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे, दंदना था डाबर लाल दंदमंजन चौका। फिर से एक बार दीपक सामने है रघु के, और ये उठा दिए, दंदना था डाबर लाल दंदमंजन छक्का, क्या लाजवाब छक्का दीपक के द्वारा। इसी प्रकार का डेडिकेशन होना चाहिए मैच को जीतने के लिए, 200-250 का टारगेट चेस करने के लिए मैदान में डटे रहना पड़ता है दोस्तों, जो कि अभी दीपक डटे हुए हैं, नतीजा कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा मैदान है नहीं, कभी भी मैच का पासा पलट सकता है। फिर से एक बार देव सामने है वही, अभी जिन्होंने 14 छक्का लगाया है, बहुत ही अच्छा इस बार वाइड। रघु भी समझ चुके हैं कि देव को अगर उनके पाले में गेंद दूंगा तो बाउंड्री के बाहर ही जाकर गेंद रुकेगी। फिर से एक बार रघु, ओह इस बार बहुत अच्छा गेंद, लेकिन उससे भी लाजवाब बल्लेबाजी दीपक के द्वारा। फिर से एक बार रघु, सामने इस बार दुलाल, वाह क्या डिफेंसिव शॉट, बहुत अच्छा शॉट, इसी बीच दीपक का दंदना था, और इसी बीच फिर से एक बार बहुत ही अच्छा गेंद, लेकिन उससे भी लाजवाब शॉट, और क्या जबरदस्त फील्डिंग, लेकिन 6 रन होने से नहीं बचा पाए, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग मोटू के द्वारा, बहुत ही अच्छा शॉट दीपक द्वारा, सॉरी दुलाल द्वारा। फिर से एक बार, और ये बहुत ही लाजवाब शॉट दुलाल के द्वारा, दंदना था डाबर लाल दंदमंजन चौका। फिर से एक बार दुलाल, और इस बार भी फुल टॉस, लेकिन इस बार गैप नहीं ढूंढ पाए, और देव कुमार मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड कर पाते तब तक आसानी के साथ एक रन। फिर से एक बार अरविंद पासवान, सामने इस बार दीपक, और इस बार भी बहुत जबरदस्त शॉट खेलने की कोशिश दीपक द्वारा, हालांकि सफल नहीं। फिर से एक बार दीपक, ओ बहुत ही अच्छा शॉट, और यस दंदना था डावर लाल दंदमंजन कवर ड्राइव 4 रन। एक बार इस बार राजेन, फिर से एक बार, और इस बार स्टेट ड्राइव, और ये 4 रन, दंदना था डावर लाल दंदमंजन चौका, क्या लाजवाब शॉट दीपक के द्वारा अकेले फाइट करते हुए। फिर से एक बार राजन फील्डिंग में थोड़ा तब्दीली करते हुए, शॉट लॉन्ग ऑन रखते हुए। फिर से एक बार बहुत ही तेज तर्रार बल्लेबाज के सामने, और एक बार फिर से एक बार दंदना था डावर लाल दंदमंजन चौका,
पावर प्ले चल रहा फिर से एक बार राजन शर्मा का सामना करेंगे दीपक बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपक बहुत ही अच्छा शॉट इसी भी दंदना था डावर लाल दंदना चौका फिर से एक बार राजन सामने दीपक बहुत अच्छा बल्लेबाजी करते हुए दीपक हालांकि मैच हाथ से निकल चुका है फिर से एक बार ओ दंदना था डावर लाल दंदना चौका फिर से एक बार मोटू गेंदबाजी करने आए हैं सामने दुलाल और शॉर्ट बॉल कुछ नहीं कर पाए हालांकि वाइड बॉल और ये गेंद फिर से एक बार मोटू और इस बार भी उठा दिए हैं लेकिन फील्डर मौजूद जब तक फील्डर फील्ड कर पाता तब तक दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना अपना छोर बदल लिया फिर से एक बार मोटू फिर से एक बार मोटू फिर से एक बार और इस बार भी उठा दिए हैं फील्डर मौजूद नहीं है और ये बहुत अच्छा फील्डिंग जहां चार होना चाहिए था वहां आसानी के साथ तीन रन बचाते हुए एक बार और इस बार और ये फिर से एक बार मोटू बहुत अच्छा शॉट इसी बीच फील्डर मौजूद और फील्डर पे गपलाती और ये चार रन फिर से एक बार और ये चार रन हो सकते हैं लेकिन फील्डर मौजूद है फील्डर ऐसे जगह में छिपा हुआ था पता नहीं चल रहा कि फील्डर है कि नहीं लेकिन एक रन अरविंद पासवान आए हैं गेंदबाजी करने सामने दीपक और बहुत ही जबरदस्त शॉट चार रन दंदना था डबर लाल दत्मंजन चौका फिर से एक बार और इस बार दंदना था गगन चुंबी छक्का क्या लाजवाब शॉट दीपक के द्वारा मारने के बाद बल्ले को अपने बगल में दबाते हुए और इसी के साथ 50 रन भी पूरा दीपक का बहुत अच्छा ओह इसी बीच बहुत अच्छा गेंदबाजी बॉल्ड इसी के साथ दीपक का पारी का अंत करता हुआ अरविंद पासवान कर दिया उनका पारी का अंत फिर से एक बार बहुत अच्छा गेंद इस बार फिर से एक बार मोटू सामने है दुलाल बहुत ही अच्छा शॉट और ये चार रन दंदना था डबर लाल दत्मंजन चौका माफ कीजिए दोस्तों अरविंद पासवान बीच में आकर बॉल को कलेक्ट कर लिए एक ही रन फिर से अगर मोटू फुल टॉस और रमाकांत एक रन और ये गेंद और इसी के साथ आउट 83 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए और ये गेंद बहुत अच्छा डिफेंसिव शॉट आलोक के द्वारा फिर से एक बार मोटू और उठा दिए हैं फील्डर नीचे मौजूद और इसी के साथ गौस ऑटोमोबाइल कपारी कांत और इस प्रकार से 83 रनों से इस मैच को आरएस ब्रदर्स ने जीत लिया।